गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ हॉलीवुड की चार बढ़िया मूवीज को जो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है और सारे मूवी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर मूवीज अनऑफिशियली अपलोड की जाती है तो ये सब किसी भी वक्त डिलीट हो सकती है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इन मूवीज को जल्द से जल्द देख लें। खैर चलिए आज का काउंटडाउन शुरू कर लेते हैं। तो गाइस नंबर 4 पर है 2019 में रिलीज की गई बढ़िया एडवेंचर फैंटेसी मूवी रिम ऑफ द वर्ल्ड। IMDb ने मूवी को 5.2 की रेटिंग दे रखी है। तो गाइस यहां कहानी की शुरुआत होती है एलियन अटैक दिखाते हुए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चार टीनेजर्स को जिनके हाथ एक सीक्रेट लग जाती है जिससे वो लोग एलियन को रोक सकते हैं। तो वो लोग ये कैसे करते हैं ये देखने लायक है। नंबर 3 पर है 2015 में रिलीज की गई हॉरर कॉमेडी मूवी क्रैम्पस। IMDb ने मूवी को 6.2 की रेटिंग दे रखी है। गाइस जहां तक स्टोरी की बात है तो ये शुरू होने वाली है एक लड़के से जो अपने फैमिली से परेशान होकर क्रिसमस के दिन एक डीमन या शैतान को बुला लेता है। तो फिर अंत में फैमिली के साथ क्या कुछ होता है ये आप मूवी में देखिएगा। नंबर 2 पर है 2015 में रिलीज की गई एक्शन ड्रामा मूवी द टाइगर। रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। तो गाइस यहां कहानी की शुरुआत होती है एक शिकारी से जिनके बेटे को एक टाइगर घायल कर देता है। तो अपने बेटे को वो शिकारी कैसे सेव करते हैं और उस टाइगर को कैसे पकड़ते हैं ये मूवी की मेन सीन है। गाइस ये एक साउथ कोरियन मूवी है लेकिन आपको बिल्कुल हिंदी में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2007 में रिलीज की गई बेहतरीन कॉमेडी एडवेंचर मूवी मिस्टर बीन्स हॉलीडे। IMDb ने मूवी को 6.4 की रेटिंग दे रखी है। जहां तक स्टोरी की बात है तो ये शुरू होने वाली है मिस्टर बीन्स से जो अपनी हॉलीडे मनाने के लिए फ्रांस जाते हैं और फिर ट्रेन में उनकी वजह से एक बाप बेटा जुदा हो जाता है। तो फिर उन बाप बेटे को मिलाने के लिए बीन हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए चार बेहतरीन मूवीज जो आपको YouTube पर हिंदी में मिल जाएगी। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो मिलते हैं एक नए काउंटडाउन के साथ। स्टे हेल्दी, हैव फन।